अगर आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है तो एक बार या तो चैट पे लिख दीजिए या तो बताइए। हाँ रंजित जी, ठीक ठीक है। हाँ हाँ रंजित जी ठीक है, सुनाई दे रहे ना? सुनाई दे रहा है। थैंक इट्स यू। ओके। ओके ओके। नमस्कार दोस्तों सभी को, वेलकम एवरीवन। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले एक महीने से ओरियंस की जूम मीटिंग कर रहे हैं और इसमें हम लोग सब एक घंटे जो है पूरी जितने भी उत्तर भारत के 10 राज्य हैं वो सब मैं देख रहा हूं। और पिछले 6-7 महीने से मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूं और पिछले 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस। जैसा कि आपको पता है कि ओरियंस कंपनी की शुरुआत आज से 11 साल हुई, तो अगले एक साल बाद जो है कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स बाय रिसर्च करने के बाद 2010 में लॉन्च किया। पूरा ये पता है कि कंपनी का अपना खुद का R&D डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चेन्नई में है। और अगर मैं ऑफिसर्स और ब्रांच और ऐसे ही पूरे इंडिया में हर जगह पे जो है हर शहर में प्रमुख शहरों में कंपनी का स्टॉकिस्ट पॉइंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कंपनी का चेन्नई में ऑफिस है। और आप सबको जैसे पता है कि कंपनी के बारे में अगर आपको जानकारी है, जैसा कि यहाँ पे 9 ईयर्स लिखा है लेकिन अभी फिलहाल 11 साल एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी का। कंपनी की जो बिल्डिंग की तस्वीर आपने देखी थी वो अपनी खुद की बिल्डिंग है और लगभग 40,000 स्क्वायर फीट में ये ऑफिस बना हुआ है। 4 मंजिला ऑफिस है। जैसा कि पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कंपनी इंडियन कंपनी होते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इंडिया के बाहर कंपनी के लगभग 7 से 8 देशों में भी कंपनी रन कर रही है और लगभग 12 लाख से ज्यादा कस्टमर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कंपनी का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अम्बत्तूर में है और इसके अलावा ISO सर्टिफाइड है और मोर ऑर्गेनाइज्ड है। जितने भी सप्लायर्स हैं वो एकदम हाईली रेटेड हैं। और साथ ही साथ आने वाले अगर मैं 3 साल की बात कहूं 2022 तक आते आते कंपनी का एम जो है वो 100 से ज्यादा देशों में पहुंचने का है। और इसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो कंपनी के पास 180 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 22 से 23 प्रोडक्ट जो है वो खुद के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी नकल कोई भी नहीं मार सकता और बहुत ही अच्छे और बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी की खासियत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो जो है वो अम्बत्तूर में है। साथ ही साथ जब भी आप प्रोडक्ट्स के देखेंगे तो बहुत समय ऐसा लोगों का कहना है कि सर आपने तो बताया था कि ओरियंस है लेकिन यहाँ पे विजयनी लिखा हुआ है। तो विजयनी इंटरनेशनल जो है वो कंपनी के अपने खुद के सिस्टर कंसर्न है और अम्बत्तूर में है और ये अपनी खुद की कंपनी है, इसलिए इसमें आप लोगों को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए या आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हमारी खुद की कंपनी है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी, तो 2009 में हमारे कंपनी के CEO मिस्टर कार्तिकेन सर, CFO सर सुमन सर और COO सर मौली शंकर जी ने एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज वही पौधा जो है 10-12 साल में इतना बड़ा पेड़ बन चुका है और इसके ब्रांचेस जो है वो इंडिया और इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है। जैसा कि मैं अपने डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका जो खुद का एक्सपीरियंस है वो 20 से 25 सालों का नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अपना खुद का इनका सारा सब कुछ है ये अपने हाथ में रखते हैं। कार्तिकेन सर जो है पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं, सुमन सर जो है वो पूरा फाइनेंस देखते हैं और IT रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या IP होम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारे आदरणीय मौली शंकर सर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे जो बॉडी के जो 7 चक्र हैं उनको देख लेके पूरा बनाया गया है। और ये कहीं पे भी इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं पे भी अगर आप देखें तो कंपनी को गवर्नमेंट के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो जैसे आपका ISO से लेकर ATSA से लेकर FSSAI से लेकर ये सारी चीजें जो है कंपनी ने करा के रखा है। और ये भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि कंपनी ने आयुष मंत्रालय से भी अपना सर्टिफिकेशन करा के रखा हुआ है। इसके अलावा कंपनी
का जो है, चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसलिए कंपनी ने FDSA से भी अपना रिकॉग्नाइज करा के रखा है। और जैसा कि आपको पता है कि FDSA के जो हेड है वो है रामविलास पासवान जी, जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे मौली शंकर सर जो है वो इस FDSA में अपने एक बहुत ही एक प्रमुख पद रखते रहे हैं, और वो पूरा उनका दारोमदार जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनका पूरा दारोमदार जो है मौली शंकर सर के पास है, रहते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ मिस्टर रेड्डी भी है। तो ये पूरा एक पैनल है जो कंपनी को देख रहा है, और ये सारी चीजें होती रहती है। और आने वाले कल में मैं आपको ये भी बता दूं कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके मैदान में और उतर रही है। इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट्स के रेंज है वो कॉस्मेटिक्स से लेकर काफी सारे रेंजेस है। तो ये कंपनी की जानकारी मैंने आपको बता दी, और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को और भी जानकारियां हम लोग देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और अपडेटेड रहे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे आने वाला जो सेशन है वो मिस्टर मनोज जी का है, जो प्रोडक्ट की जानकारी आपको देंगे। तो ओवर थैंक यू रंजीत। अभी मेरा सेशन होगा, उसके बाद ही मनोज सर का सेशन होगा। ओवर टू यू सर। ओके थैंक यू। मेरा आवाज आ रहा है? यस क्लियर कट रहा है। ओके थैंक यू सर। आप सभी को स्वागत है इस मीटिंग में। मैं सोमनाथ घोष, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट। तो मैं सिलीगुड़ी बेस्ड हूँ, और सिलीगुड़ी से पूरा ईस्टर्न क्षेत्र जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नेपाल, एज वेल एज आपका सिक्किम, ये मैं इस यहाँ पे इस क्षेत्र में मार्केटिंग का काम संभालता हूँ। और अभी आज का जो सेशन है वो हम लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम लोग का जैसे कि रोज OBM होता है, आज OBM के अंत में हम लोगों के साथ सर एक बहुत ही ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, तो वो जुड़ेंगे मिस्टर राहुल लाल सर, तो जिसको हम हरिओम लाल से भी, लाल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज्यादा वो पॉपुलर है राहुल सर से ही, नाम से ही ज्यादा पॉपुलर है। तो वो आएंगे आज, हम लोगों के साथ जुड़ेंगे वो अंत में। और अभी मेरा सेशन के बाद मनोज सर का, जैसे कि यूजुअल प्रोडक्ट के ऊपर सेशन रहता है, मनोज सर का सेशन रहेगा, फिर मिस्टर अंजन का सेशन रहेगा उसके बाद। तो आइए अभी जान लेते हैं 7 ways इनकम के बारे में, कि कैसे ओरिएंट से हम 7 तरीके से इनकम कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो इनकम के बारे में जान लेते हैं, और खास करके जो लोग नए हैं उनके लिए ये तो बहुत ही मतलब लाभदायक होगा। तो क्या है कि अपना जो सिस्टम है, दिस इज ए हाइब्रिड रिन्यूएबल मार्केटिंग प्लान, अपना जो प्लान है इसमें 7 ways इनकम हम करते हैं, 7 तरीके से हम इनकम करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई ऑडियंस के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के साथ साथ उनको एक ID दिया जाता है, और वो ID जो है वो एक एसेट है, वो एक ग्लोबल ID है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको लेके वो नॉट ओनली इन इंडिया, जहां जहां दुनिया में जहां जहां ऑडियंस है और आगे चल के जहां जहां जाने वाले हैं, तो वो सभी देशों में वो अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट मतलब जैसे कि अपना टारगेट है कि बाय 2025 हम 100 कंट्री में रीच करना चाहते हैं, ऑलरेडी हम 7 कंट्रीज में है, तो इस सभी 7 देशों में वो अपना टीम को आगे बढ़ा पाएंगे, और आगे चल के वो 100 देशों में अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऊपर से क्या है, इट्स ए लाइफ टाइम ID, यानी कि जो भी ID दिया जाता है वो एकदम लाइफ टाइम एसेट है, सिर्फ उनका नहीं, ये एक ऐसा एसेट है जो 3 पुश्तों तक आपको इनकम जनरेट करती है। तो ये एक लाइफ टाइम ID है जिससे कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। ऊपर से क्या है कि एक्युमुलेटेड VIP, यानी कि आप जो भी कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपको ही बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी फ्लैश आउट कहीं पे नहीं होता है, पूरा जो सिस्टम है उसमें आप जो भी वॉल्यूम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ऊपर से नॉमिनी राइट है, 30 डेज मनी बैक पॉलिसी भी है, और नो टाइम लिमिट, यानी कि कोई यहाँ पे टारगेट नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको मंथली इतना करना है, ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निर्णय लेंगे, आप अपना गोल जो सेट करेंगे उसी हिसाब से आप टारगेट करेंगे, यानी कि आप खुद डिसीजन लेंगे कि कैसे और कब मुझे किस पिन लेवल को अचीव करना है। तो ये जो पूरा क्रम है, यानी कि पूरा जो डिसीजन है, वो पूरा आप और आपके टीम के ऊपर है, यानी कि आप खुद
अपना जो भी गोल सेट किए हैं उसका डिसीशन आप लेंगे कि कैसे हम आगे चल के कैसे कब क्या पिन लेवल अचीव करेंगे। तो ये है अपना ओरियंस जो प्लान है सेवन ऑयस इनकम, उसका फर्स्ट आता है रिटेल बोनस। ये रिटेल बोनस क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने देखे होंगे कि उसके ऊपर एमआरपी लिखा रहता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो क्या है, जो एसोसिएट है उनके लिए सेपरेट प्राइस के साथ जुड़ने से हम क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट डीपी रेट में मिलता है और हम उसको एमआरपी में बेच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बीच का जो 10-20% हर एक प्रोडक्ट में हम 10-20% रिटेल बोनस अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ट्रैक बोनस। फर्स्ट ट्रैक बोनस क्या है कि जब भी हम किसी को जुड़ते हैं या फिर इनिशियल लेवल में हम सिर्फ दो लीडर को जोड़ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट हम जितना चाहे उतना लोगों को जुड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना लीडर्स को जुड़ सकते हैं। तो ये जुड़ने से हमें क्या मिलती है, हमें फास्ट ट्रैक बोनस मिलता है। मतलब एज ए इंट्रोड्यूसर हम एक नंबर जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहे उतना लीडर्स को आप जुड़ सकते हो, इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आप नए नए लोगों को जुड़ते जाओ और एज फर्स्ट ट्रैक बोनस बहुत सारे फर्स्ट ट्रैक बोनस के जरिए आप बहुत सारे पैसा भी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आता हूँ क्या है कि कंपनसेशन बोनस। ये क्या है कि एज यू नो इट्स ए हाइब्रिड रिन्यूएबल मार्केटिंग मार्केटिंग सिस्टम। दैट मीन्स हमारा एक पावर टीम होता है और एक कंपनसेशन टीम होता है। तो पावर टीम में और कंपनसेशन टीम में क्या है कि एक 2:1 और 1:2 ऐसे करके हम रेशियो मेंटेन करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी पे आउट आता है वो ग्रुप के हिसाब से आता है, यानी कि 100 PV और 200 PV में एक ग्रुप होता है, या फिर 200 PV 100 PV 200 PV 100 PV इक्वल्स टू वन ग्रुप, यानी कि 2:1 और 1:2 ऐसे रेशियो में हमारा जो वॉल्यूम होता है उस हिसाब से हमें कंपनसेशन बोनस मिलता है। तो कंपनसेशन बोनस कब मिलती है, हमारा जो साइकिल है वो एवरी वीक साइकिल है, वीकली साइकिल है। इसमें फ्राइडे से लेके थर्सडे तक एक साइकिल होता है और थर्सडे तक जितना भी वॉल्यूम होता है दोनों मतलब दोनों ग्रुप में पावर एंड कंपनसेशन टीम में जितना वॉल्यूम होता है उसका पे आउट हमें मंडे मिलता है। तो मान लेता हूं एक वीक में मेरा दोनों तरफ यानी कि पावर टीम एंड कंपनसेशन टीम में मेरा इनिंग मैं लीडर हूं, मतलब शुरू शुरू में मेरा वॉल्यूम हुआ है एक तरफ 2500 PV और एक तरफ 1000 PV। तो इसका मतलब क्या है कि 2500 PV ये हो गया मेरा पावर टीम और जिस तरफ 1000 PV हुआ था वो हो गया मेरा कंपनसेशन टीम। तो 1000 PV 2000 PV इक्वल्स टू 10 ग्रुप। तो 10 ग्रुप का कितना मिलेगा, 10 ग्रुप का एक ग्रुप का 630 मिलता है। तो 10 ग्रुप का मिलेगा मुझे 6300 रुपीज और ऊपर से जो पावर टीम में 2500 PV हुआ है तो रिमेनिंग जो उसका 500 PV है वो क्या है कि वो नेक्स्ट साइकिल में आ जाएगा, यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कुछ भी फ्लैश आउट नहीं होगा। तो जो भी मेरा वॉल्यूम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेनिफिट मुझे ही मिलेगा। तो ऐसे करके जैसे जैसे मेरा टीम साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा मेरा कंपनसेशन बोनस जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे एज कंपनसेशन बोनस आप अर्न कर सकते हो। ये सबसे खास इनकम है क्योंकि इसमें बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो मंथली 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो ये है कंपनसेशन बोनस। तो आपके ऊपर यानी कि आप 100 ग्रुप करते तो वीकली आप 63,000 आप 6 वीक्स 200 करके यानी कि 200 करके अगर वो ग्रुप मैच करते हैं, 200 करके ग्रुप करते हैं तो वो एक पेरेंट आईडी का हकदार बनते हैं, यानी उनको एक पेरेंट आईडी दिया जाएगा जिससे उनका उनका इनकम और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके हमें बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो नॉट ओनली 6 consecutive weeks उनका बहुत सारे वीक्स में मतलब एकदम होता ही जाता है 200 से ऊपर
ऐसे ग्रुप बनते जाते हैं, तो उनका आप सोचिए कितना इनकम होता है एज कंपनसेशन बोनस। तो ये कंपनसेशन बोनस हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि पर्सनल परचेज बोनस। जब भी कोई लीडर हमसे 100 PV करके जुड़ते हैं तो बी बिकम 1 diamond। तो 1 diamond बनने के बाद उनको क्या है कि 10% यानी कि 10% उनको पर्सनल परचेज बोनस मिलता है। जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे पर्सनल परचेज बोनस भी बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है कि 12 पिन लेवल है, 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond, 4 diamond, 5 diamond, 6 diamond, 7 diamond, देन गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, 1 diamond क्राउन एम्बेसडर। तो 10% से 15, 20, 24, 28 ऐसे करके बढ़ जाता है। जब भी एम्बेसडर बन जाते हैं हम तो 39% हमें पर्सनल परचेज बोनस मिलता है। क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद 40% और 1 diamond क्राउन एम्बेसडर बनिए कितना परसेंटेज मिलता है एज पर्सनल परचेज बोनस। तो 41% तक मिलता है। तो ये भी बहुत खास है। पर्सनल परचेज बोनस के बाद आते हैं रिवार्ड्स पे। तो अपना कंपनी में जो भी लीडर जुड़ते हैं वो सिर्फ यहाँ पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत सारे सम्मान भी कमाते हैं। जैसे कि हम बहुत लोगों का भला करते हैं, उनका जो बहुत पुराने मतलब अपना जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेदा सिद्ध और यूनानी के कॉम्बिनेशन से उनका भला करते हैं, बहुत सारे लोगों का दुआ आशीर्वाद भी मिलता है। ऊपर से क्या है कि हमें बहुत सारे सम्मान भी मिलता है, नॉट ओनली वी आर अर्निंग मनी। तो क्या है कि यहाँ पे जो भी रिवार्ड्स दिया जाता है वो बहुत बड़ा स्टेज में हमें बहुत सारे सम्मान के साथ बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार के सामने ये रिवार्ड्स दिया जाता है। तो 4 diamond लीडर से अपना रिवार्ड्स जो है वो शुरू होता है। 4 diamond को दिया जाता है क्या, एक एग्जाम जाता है, एक स्मार्टफोन दिया जाता है। 6 diamond बनने के बाद हमें एक लैपटॉप मिलता है। उसके बाद 7 diamond बनने के बाद हमें मिड सेगमेंट कार फंड के जरिए हमें 3.5 lakhs मिलता है, 3.5 lakhs फॉर मिड सेगमेंट कार फंड। उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद हमें 6 lakhs रुपीज दिया जाता है फॉर गोल्ड परचेज, मतलब गोल्ड फंड के लिए 6 lakhs रुपीज। उसके बाद डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद हमें लग्जरी कार फंड के तरह मतलब लग्जरी कार खरीदने के लिए 14 lakh दिया जाता है। उसके बाद आता हूँ एम्बेसडर। एम्बेसडर बनने के बाद क्या मिलता है हमें, 25 lakhs मिलता है फॉर चाइल्ड एजुकेशन फंड। तो उसके बाद आता हूँ क्राउन बनने का, हमें 40 lakhs और लग्जरी अपार्टमेंट फॉर भी परचेज। और नेक्स्ट क्राउन के बाद 7,707 का सैर होती है, और अकेला नहीं पूरा परिवार के साथ ये सैर होती है। तो मतलब पूरा वर्ल्ड टूर विथ फैमिली